We are coming. Yuniski! 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 Amazing technology! मित्रों, दुनिया की सफल कंपनियां और उसका विकास देखकर हमें भी ऐसा लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि काश हम भी उस कंपनी के कोनर होते, काश हम भी उस कंपनी के पार्टनर होते। कुछ परसेंट तो पार्टनर होते, अरे थोड़ा तो पैसा लगाते उसमें, ताकि हमें भी आज जो उन लोगों को फायदा हो रहा है जो उस टेक्नोलॉजी के उस कंपनी के कोनर है, वैसे ही हमें भी फायदा हो जाता है। और मित्रों, सफल कंपनियों की तादाद तो कम ही रहती है बिल्कुल, और थर्ड क्लास कंपनियों की तादाद तो कोई देखने का काम नहीं। और अच्छी कंपनियां ढूंढना यह भी बड़ा मुश्किल का काम है, बड़ा जोखिम का काम है। उसके लिए अपने को कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस का ज्ञान होना आवश्यक है। वो कंपनी कहाँ की है, उसका सीईओ कौन है, किसने उसको खड़ी किया, किसने शुरुआत की उसकी, कौन सी टेक्नोलॉजी किस लिए, उसका क्या उद्देश्य है, क्या हेतु है, उस कंपनी की टीम कैसी है, उसका प्रोडक्ट क्या है, क्या वो प्रोडक्ट हमारे लिए आवश्यक है, क्या वो प्रोडक्ट पूरे दुनिया के लिए आवश्यक है, उस कंपनी की डिमांड कितनी है, उस टेक्नोलॉजी की कितनी डिमांड है, क्या मैं उसमें इन्वेस्ट करके फायदे में रहूंगा या फिर नुकसान में रहूंगा, फायदे में रहूंगा तो क्यों रहूंगा और नुकसान में रहूंगा तो क्यों रहूंगा, क्या आप ऐसे चीजों का एनालिसिस करते हो मित्रों? और कई बार दुख तो तब होता होगा कि अरे मेरे सामने वो कंपनी आई थी और आगे भी निकल गई मुझे कोई बताने वाला आया था लेकिन उस समय मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया उस पर और वो चली भी गई, आगे निकल गई। और वो जो लोग हैं जिन्होंने हमें बताया था, वो जो हमारे मित्र हैं, वो भी आगे निकल गए हैं, मतलब फाइनेंशियली, और हम वही के वही पीछे के पीछे रह गए। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है मित्रों, इसके लिए क्या कारण है? इसके लिए यही कारण है कि हमारा इग्नोरेंस अच्छी चीजों के तरफ ध्यान देना, इस पर हमारा इग्नोरेंस होता है, हमारी लापरवाही होती है, और इस कारण अच्छी अच्छी चीजें हमारे सामने से ऐसे निकल जाती है, हमको कितने बार अपॉर्चुनिटी देती है, अवसर देती है, फिर और निकल भी जाती है और हमको पता ही नहीं चलता, हम देखते ही रहते हैं, वो बढ़ते भी रहते हैं लेकिन हम देखते ही रहते हैं। ऐसा होता है मित्रों, कई बार ऐसा होता है, बहुत कम लोग होते हैं कि जो अच्छे अवसर को पाते हैं, वो अच्छे अवसर को कैश करते हैं। और कई बार हम क्या करते मित्रों कि कचरा कचरा चीजें जमा करते जाते हैं लोभ के कारण, हमारे लस्ट के कारण, और जो अच्छी अच्छी चीजें जो रहती दमदार चीजें, वो हमारे सामने से ऐसे निकल भी जाती और हम वो ये जो कचरा लेके रखते ना, वो सिर्फ ढोते रहते हैं। मित्रों, आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, सबसे महान टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा आईपीओ जिसका वैल्यूएशन 400 अरब डॉलर्स है, उसका मतलब 4 पर 11 जीरो और 400 पर 9 जीरो डॉलर्स, पूरे इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, क्यों उसका वैल्यूएशन 400 अरब डॉलर्स है? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी, इतनी महान और इतने बड़े स्केल पर पूरे दुनिया में वो बनने जा रही है, ऑलरेडी बनना चालू है। वो बात हम पहचान नहीं पाते, वो बात हम जान नहीं पाते, तो ऐसे चीजों में हम निवेश भी नहीं कर पाते, या कर भी लेते हैं तो डर डर के थोड़ा सा। आज यूएसटी नाम की जो टेक्नोलॉजी है, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ है, दुनिया की सबसे महान, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, जो पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी पर जहां वहां हमको दिखने वाली है, और हमने तो हमारे आंखों से बिल्कुल देखी है, ये तो आपको पता है। उस टेक्नोलॉजी के जो दुनिया को सुंदर करने वाली टेक्नोलॉजी, दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के हम को ओनर बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, और उसके डिविडेंड को डिजर्व कर सकते हैं, उसके होने वाले फायदे को डिजर्व कर सकते हैं। हमारा 20% हिस्सा रहने वाला है उस फायदे में, और 2025 में बिल्कुल जल्दी डिविडेंड उसका चालू होने वाला है, क्योंकि आखिरी के स्टेज पर है वो वेंचुअर फंडिंग के, वेंचुअर मार्केट के आखिरी के स्टेज में।
पहले इसे स्काईवे टेक्नोलॉजी कहा जाता था, अभी इसे यूएसटी मतलब यूनिट्स की स्ट्रीम टेक्नोलॉजीज कहते हैं, जिसके जनरल डिजाइनर है जगत के सबसे महान साइंटिस्ट डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स्की, और जिस कंपनी को जिस टेक्नोलॉजी को पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट्स अवेलेबल है। रोड एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक जाम, पार्किंग, केमिकल वाली समस्या, केमिकल के खाने वाली समस्या कहीं जाना हो तो समय लगना, यह समस्या, हमारा समय बर्बाद होना, पैसे ज्यादा लगना, असुरक्षितता, यह सब समस्या इस यूएसटी टेक्नोलॉजी से सॉल्व होने वाली है। और इसमें हम अगर हमारा योगदान देंगे, हम अगर निवेश करते हैं, तो हम उस टेक्नोलॉजी के कोनर बन सकते, पार्टनर बन सकते हैं। मैं खुद और मेरी फैमिली और मेरे मित्रगण और कई लोग इसके कोनर बन चुके हैं। पूरे दुनिया में 200 देशों के लोग इसके कोनर बन चुके हैं, लाखों में इसके कोनर बन चुके हैं, अपने अपने क्षमता के साथ कोनर बन चुके हैं। और हम सबको 2025 से डिविडेंड मिलना चालू होने वाला है। डिविडेंड का मतलब होता है उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके 20% पैसा जितने भी शेयर होल्डर्स है, जितने भी शेयर्स की संख्या है, उसमें विभाजित होना, उसमें डिवाइड होना। और ये 2025 से हम सबका डिविडेंड चालू होने वाला है हमेशा के लिए। 100 साल की गारंटी है उसकी, मतलब हमें भी, हमारे बच्चों को भी, उनके बच्चे को भी, बीवी बच्चे को, ऐसा ये डिविडेंड मिलता रहेगा। और डिविडेंड जितना ज्यादा चाहिए उतना ज्यादा अपने शेयर्स की संख्या होनी चाहिए। तो हमारा प्रयास है कि हमारे शेयर्स की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। हम तो हमारे शेयर्स की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हैं और भी खरीद रहे हैं। आप तो देखते ही होंगे हमारे, अगर आप वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता चल जाएगा, दिख जाएगा कि हम कितने सारे शेयर्स उसके खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें उसका महत्व मालूम है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे टेक्नोलॉजी में, ऐसे सुंदर और महान टेक्नोलॉजी में निवेश करना, तो आज आपके लिए वो अच्छा समय उपलब्ध है। क्योंकि इस यूएसटी कंपनी के जो शेयर्स है वो बेचने वाली जो कंपनी है, मतलब फंडिंग कंपनी, उसका नाम है RSW रेल स्काईवे। तो उसमें से हम निवेश कर सकते हैं उस यूएसटी टेक्नोलॉजी में। और RSW को अभी 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य पर RSW ने 2018 से लेकर अभी तक की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाली ऑफर हमें दी है, बहाल की है। अगर आप पहले से ही RSW के पार्टनर है तो RSW का अकाउंट ओपन करके देखिए, तो वहां आपको वो न्यूज मिलेगी, बिल्कुल वो पोस्ट मिलेगी। और उसका टाइमर अभी चालू है 31 जनवरी 2024 तक। एक तो ये न्यूज 24 दिसंबर 2023 को आई थी, ये ऑफर थी 31 दिसंबर 2023 तक, उसके बाद फिर ये ऑफर बंद हो गई। लेकिन अभी आज 8 जनवरी 2024 को ये न्यूज फिर से आई है, फिर से उन्होंने एक्सटेंड किया है, क्योंकि कई लोगों के वहां इंक्वायरीज आई है और कई लोगों के अकाउंट वहां वेरीफाई भी नहीं हुए हैं, क्योंकि छुट्टी के दिन थे तो कंपनी के जो लोग रहते हैं वो भी छुट्टी पर रहते हैं, एम्प्लॉइज। तो जो भी लोग अभी सबसे ज्यादा गुना, सबसे ज्यादा डिस्काउंट पर, मतलब ऐसा समझे कि नॉर्मल जो शेयर पैकेज है, अगर $1000 का जो नॉर्मल स्टैंडर्ड शेयर पैकेज है उसमें $1000 में 25,000 शेयर्स आते हैं अगर एक साथ खरीदते हैं तो, और अगर 10 महीने का इंस्टॉलमेंट प्लान लेते हैं तो $1000 में 23,000 शेयर्स आते हैं, मतलब 23 डिस्काउंट। ये जो जुबली ऑफर है, RSW के एनिवर्सरी की ऑफर, 10वीं एनिवर्सरी की ऑफर, इसमें $1000 को 80 गुना शेयर्स अगर इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो, अगर एक साथ खरीदते हैं तो $1000 को 88 गुना, मतलब 10% एक्स्ट्रा। वैसे ही $2000 का जो जुबली ऑफर है, जुबली ऑफर का शेयर पैकेज, उसमें 1,80,000, मतलब 90 गुना शेयर है इंस्टॉलमेंट में 10 महीने के, और अगर आप एक साथ पे करते हो तो उस पर 20% एक्स्ट्रा, मतलब $2000 पर 1,80,000 प्लस 20%, मतलब 2,16,000 शेयर्स, मतलब ये हो गया 108 का डिस्काउंट, $1 को 108 शेयर्स। और $5000 का जो शेयर पैकेज है तो उसमें अगर इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं 10 महीने के $500 प्रति महीना, तो
$1 को 100 शेयर्स मतलब 100 का डिस्काउंट है, जिसमें टोटल मिलते हैं 5 लाख शेयर्स। और अगर आप एक साथ उसमें निवेश करते हैं, एक साथ $5,000 का वो शेयर पैकेज खरीदते हैं, तो उसमें 30% एक्स्ट्रा शेयर्स मतलब 6.5 लाख शेयर्स उसमें मिलते हैं। मतलब 130 का डिस्काउंट, $1 को 130 शेयर्स, ये अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। इतना डिस्काउंट हमने देखा नहीं। और ये क्यों आया? ये RSW को 10 साल पूरे हो गए उसके उपलक्ष्य पर। तो इस शेयर पैकेज का हमने फायदा लेना चाहिए जितना हो सके उतना। हम तो ले रहे, आप भी लीजिए। कई लोगों के इंक्वायरीज आए थे, हमको भी आए थे और RSW को आए थे। तो RSW ने अभी क्या किया कि उस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि लोग खुश तो कंपनी खुश, कंपनी खुश तो लोग खुश। तो ये सबसे बड़े जो फायदे की ऑफर है, जुबिली ऑफर, एनिवर्सरी, RSW के एनिवर्सरी के ऑफर, तो उसमें हमने मस्त निवेश करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और आप हमारे वीडियोस देखते होंगे, उसमें तो हमारा सब पोर्टफोलियो बिल्कुल खुला ही है, तो आप भी देख सकते हैं कि हम कितना उसमें निवेश करते हैं। बाकी रिस्क हर चीज में रहती है मित्रों, इसमें भी रिस्क रहती है, लेकिन बिना रिस्क के तो मजा तो कुछ भी नहीं आता। हमारा जीवन ही रिस्क है, लेकिन अच्छी रिस्क बुरी रिस्क वो भी अपने को समझना चाहिए। तो ये अच्छी रिस्क है मित्रों। 24 दिसंबर 2023 को जो न्यूज आई थी, उसमें ये भी न्यूज थी कि 10% एक्स्ट्रा बोनस वाली जो न्यूज है, मतलब जिन लोगों ने 1 जनवरी 2023 से लेकर अभी तक कोई भी इंस्टॉलमेंट शेयर पैकेज खरीदा हो और वो इंस्टॉलमेंट पूरे नहीं हो गए हो, मतलब वो शेयर पैकेज क्लोज नहीं हुआ हो, तो वो अभी वो पैकेज क्लोज कर दें 31 दिसंबर 2023 तक, तो उनको उसमें जितने भी शेयर्स मिलना है वो तो मिलेंगे ही, लेकिन 10% एक्स्ट्रा शेयर्स बोनस के तौर पर मिलेंगे RSW की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, 10वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर। तो बहुत सारे लोगों ने वो पैकेजेस कंप्लीट किए और अभी जब वही न्यूज एक्सटेंड हो गई है, मतलब डेट एक्सटेंड हो गई है 8 जनवरी से लेकर अभी 31 जनवरी तक, तो अभी उस न्यूज में ये बात नहीं थी। उन्होंने 31 दिसंबर 2023 वही वहां डेट लिखी थी। तो हमने अभी RSW से बात की और उन्हें बताया कि ये जो ऑफर है 31 दिसंबर 2023 की, तो ये ऑफर आप 31 जनवरी 2024 तक बढ़ा दीजिए, ऑफर भी कंटिन्यू हो जाएगी और लोगों को उसका फायदा भी हो जाएगा। तो RSW ने अभी वो डेट चेंज की है उस न्यूज में, आप देख लीजिए 31 जनवरी 2024 तक जो लोग ये जो पुराने इंस्टॉलमेंट्स है, जो 1 जनवरी 2023 से लेकर अभी तक खरीदे हुए इंस्टॉलमेंट शेयर पैकेज है, उसको अगर वो क्लोज करते हैं, पूरे करते हैं इंस्टॉलमेंट, तो उनको जितने शेयर्स मिलना है उतने तो मिलेंगे ही, प्लस 10% एक्स्ट्रा बोनस शेयर्स भी मिलेंगे। तो ये बात बढ़िया हो गई है। तो जो भी इंस्टॉलमेंट पैकेजेस आपने 1 जनवरी 2023 से लेकर अभी तक यानी खरीदे हैं इंस्टॉलमेंट पैकेज, और उसे अगर आप अभी पूरा करते हैं 31 जनवरी 2024 तक, आप अपने 10% शेयर्स बढ़ा सकते हैं। और मित्रों, ये जो जुबिली ऑफर, एनिवर्सरी ऑफर के जो पैकेजेस है, वो बहुत कम पैकेजेस उन्होंने दिए हैं। वैसे पिछले महीने में भी जो उन्होंने पैकेजेस दिए थे तो कम रखे थे, लेकिन लोगों की इतनी भीड़ वो पैकेजेस खरीदने की कि उनको पैकेजेस बढ़ाने पड़े। तो मुझे लगता है इस समय भी वो पैकेजेस बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेंगे। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा शेयर्स बढ़ाने की, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने की, क्योंकि उस पर ही अपने को सब कुछ मिलने वाला है, उस पर ही अपने को डिविडेंड मिलने वाला है, और उस पर ही अपने को वही शेयर्स अपने को ओपन मार्केट में हम बेच सकेंगे जब ये IPO में लिस्ट होगा। वैसे मेरे माहिती के अनुसार ये जो डिविडेंड चालू होगा UST का, तो उसके बाद 3 से 4 साल लगेंगे उसको IPO में आने के लिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो बड़े एक्सचेंजेस है, NASDAQ एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे एक्सचेंजों का नियम रहता है कि 3 साल आपका प्रोडक्ट प्रॉफिट में होना चाहिए, और डिविडेंड कब मिलता है, जब वो प्रॉफिट में आता है तभी, और तभी फिर वो उनके नियम के अनुसार वहां लिस्ट हो सकता है। और भी नियम रहते हैं उनके, तो उतने नियम में वो बैठना चाहिए। और UST ये तो इतना जगत का सबसे पावरफुल शेयर है, तो इसलिए होना ही है वो, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, कई लोग जिन्होंने स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप में, मतलब 2017, 18 में, 19 में, 20 में स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप में
निवेश किया है स्काईवे में, अभी उसका नाम यूएसटी है इस स्काईवे टेक्नोलॉजी का, लेकिन स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप का नाम एवोरिच पड़ा है जो आंद्रे खोरातो की कंपनी है। तो वहां जिन्होंने स्काईवे में निवेश किया है, यूएसटी में निवेश किया है, टीएनजी में निवेश किया है, अगर वो चाहते हैं कि उनका वो निवेश बढ़ाए और अभी भी और भी वो शेयर्स खरीदना चाहते हैं और भी निवेश करना चाहते हैं यूएसटी में, चूंकि ये बहुत पावरफुल हो रहा है और हम हमारे लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, एक एक दिन नजदीक आ रहा है, तो वो लोग भी RSW प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो और यूएसटी में निवेश करना चाहते हो तो यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर आपका परिचय लिखें और हमको बताइए कि आप ग्लोबल रिचनेस टीम से भी जुड़ना चाहते हैं और आप RSW में मतलब यूएसटी में स्काईवे में निवेश करना चाहते हैं। अगर आप नए लोग हो और यूएसटी में निवेश करना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो ग्लोबल रिचनेस टीम से, तो आप भी हमें लिख सकते हैं व्हाट्सएप पर। पहले आपका परिचय लिखिए पूरा और लिखिए कि वहां आपको यूएसटी में निवेश करना है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हो, तो हम आपको पहले $25 का डिस्काउंट गिफ्ट कूपन भेजेंगे और उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन करने में मदद करेंगे। और हमारी ज्यादातर मदद कैसी रहती है मित्रों, कि हमारा उद्देश्य रहता है कि आप खुद सीखें, आपको खुद को सीखने में हम मदद करते हैं, ग्लोबल रिचनेस टीम मदद करती है। तो मित्रों आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मित्रों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्काईवे बनाओ, यूएसटी बनाओ।